हर दोस्तों नमस्कार। ओमेटिक चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एनएससी की टीम की तरफ से कौन सा अहम फैसला उठाया जा रहा है जिससे जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें लाभ मिलेगा, उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की रकम मिलेगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी बात करूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और जो शीतकालीन सत्र न्यायालयों में क्या बातें क्या चर्चाएं हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एनएससी के कमांडर माननीय अशोक रावत जी जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जितने भी सांसद हैं उनके घर पे खुद स्वयं उनसे मिलके तकरीबन 300 से अधिक सांसदों के पास जाके उनसे मिला गया और मिलने के बाद उन्हें ज्ञापन दिया गया और उन्हें जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं रोज यानी कि आए दिन उनको किन किन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि ईपीएस 95 पेंशनरों को 7,500 रुपए क्यों चाहिए और जितनी भी समस्याएं आती हैं उनके जीवन में सारी की सारी समस्याओं से अवगत कराया और वहां जो सांसद महोदय हैं उनके द्वारा माननीय अशोक राव जी को संतावना मिला है, सभी जगह से संतावना मिला है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको इस सत्र में ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ी हुई रकम मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा ईपीएफओ के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया यानी कि सरकारी कर्मचारी के जो भी व्यक्ति हैं जिनके ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं या जो भी पेंशनर्स हैं उनको यह कहा गया है कि ईपीएफओ की तरफ से जितने भी पेंशनर्स हैं उन्हें पेंशन की बढ़ी हुई रकम बहुत ही जल्द मिल जाएगी। लेकिन अभी यह क्लियर नहीं हुआ है, डिसाइड नहीं हुआ है ईपीएस 95 पेंशनरों को कितनी मिलेगी और जो अदर पेंशनर्स हैं उन्हें कितनी मिलेगी, यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें कब तक पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ईपीएस 95 पेंशनरों की तरफ से ईपीएफओ की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं उनके लिए एक सूची जारी की गई थी कि कौन किस सूची में साथ ही साथ में किसका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है उसी आधार पे ताकि ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन प्रोवाइड कराई जा सके। शायद की ईपीएफओ की तरफ से यह भी आ रहा है आदेश कि वह सूची जारी हो चुकी है और वह सूची के हिसाब से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन दिनांक भी नहीं आया है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आगामी सुप्रीम कोर्ट अभी पिछले समय में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम महत्वपूर्ण फैसला सामने निकल के आने वाला था कि 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पक्ष में फैसला होगा, लेकिन वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशनरों का कोई सुनवाई नहीं हुआ, उस दिन कोई मुद्दा उठा ही नहीं, कोई चला ही नहीं। इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नया डेट की बात अगर हम कर लें कि नया डेट आया है कि नहीं आया है तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी डेट नहीं आया है जिससे यह हो सके कि इतने तारीख को ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन का जो मुद्दा है उस पर सुनवाई होगा। तीन बेंच का गठन हो चुका है लेकिन अभी ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन पक्ष में जो सुनवाई होना है उस अभी वो सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, अब कोई भी ये बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको यह फैसला निकल किया गया है इतना पेंशन मिलने लगेगी तो वो हमारे हिसाब से गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अभी तक की खबर है आज तक की जो खबर है वो अभी तक की यही खबर है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई भी ऐसा डिसीजन या कोई भी फैसला नहीं हुआ है। अब मैं बात करता हूं शीतकालीन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो देखिए ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है माननीय अशोक रावत जी के तरफ से। अब ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है उस ज्ञापन के तहत जो है तो वो लोग विचार विमर्श करेंगे, साथ ही साथ में इसका मुद्दा उठा सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह सरकार की नजरों में सरकार की निगाह में ईपीएस 95 पेंशनरों का मुद्दा जो है तो आएगा, जब आएगा तो उस पर फिर जो है तो अगली कार्यवाही होगी, ईपीएफओ को जो तो नोटिस दिया जाएगा, ईपीएफओ के द्वारा बढ़ाने के लिए आदेश दिया जाएगा, फिर ईपीएफओ बढ़ाएगा, जब ईपीएफओ बढ़ाएगा तो एक सर्कुलर जारी होगा और सर्कुलर के तहत जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए वो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आए दिन मैं जब वीडियो देखने लगता हूँ या यूट्यूब पे जब वीडियो देखता हूँ तो बहुत सारे ऐसे चैनलों में जो है तो वीडियो पड़े हुए होते हैं कि इतने तारीख से सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला, इनको इतना फायदा हो गया, तो ये है वो, मतलब तरह तरह की जो है तो वीडियो आते रहते हैं। लेकिन अभी तक की जो करंट रिपोर्ट करंट स्टेटस समझ में आ रहा है वह यही है कि अभी ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है, कोई भी अभी ऐसा स्टेटस नहीं आया है
कि ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन मिलेगी, लेकिन अभी डेट दिनांक कुछ भी नहीं दिया गया है और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। यह राष्ट्रीय महाधिवेशन जो होने वाला था लखनऊ में, इसके निरस्त होने से जो तो अब ये मतलब ऐसा तो आप बोल नहीं सकते हैं कि निरस्त हो गया तो मतलब ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन ही नहीं मिलेगी। मिलेगी पेंशन, लेकिन निरस्त होने से थोड़ा सा ईपीएस 95 पेंशनरों का मनोबल ढीला हुआ है, जिसको देखते हुए माननीय अशोक राव जी ने कहा है कि बहुत ही जल्द सिर्फ इसे स्थगित किया गया है। दूसरी जगह भी इसका जो तो मीटिंग ले सकते हैं, दूसरी जगह भी जो है तो ये महाधिवेशन हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अधिवेशन जो है तो कैंसिल होने से ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मनोबल अपना मत गिराइए, नहीं हार नहीं मानना है। जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें पेंशन की रकम मिलेगी, थोड़ा समय लगता है, किसी भी चीज में थोड़ा समय लगता है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। समस्या सिर्फ एक ही चीज का है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स जो बुजुर्ग हो गए हैं, आए दिन इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कह रहे हैं, अपने मन के अंदर में एक ख्वाब सजाए थे, एक सपना सजाए थे, उन्हें भी बड़ी हुई पेंशन की रकम मिलेगी, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, वह दुर्भाग्य की बात है। वो सब खेद उस पर जता रहे हैं, लेकिन जो सरकारी काम होता है ना, सब कोई जानता है कि सरकारी काम थोड़ा सा मतलब ये कि लेट होता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन लेट नहीं, वो एक सिस्टम से हो रहा है। मतलब जब वहां से आदेश पारित होगा तो आगे जाएगा, आगे वाले सर जब आदेश पारित करेंगे तो आगे जाएगा, ये एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम से काम चल रहा है। तो देखना यह है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन में वृद्धि कब तक होगी। करंट स्टेटस अभी तक का जो स्टेटस है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए अपडेट में, नए खबर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है, ख्याल में है, तो हमारे चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ये व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित लेटेस्ट जानकारी है वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्होंने अगर हमारे व्हाट्सएप पे आके कोई भी कमेंट किए हैं, कुछ भी ऐसा लिखा है जिसका उत्तर मुझे मालूम था, मैंने स्वयं उन्हें अटेंड करके उनका उत्तर दिया है, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है, और मैं बात भी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बात भी नहीं करता हूँ, आप फोन करें मैं आपसे बात भी कर लेता हूँ जब मेरे पास समय रहता है। तो समय का अभाव होता है जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर पाता और आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन देर समय मेरा मैसेज जरूर आपको मिलता होगा। दोस्तों अगर ये बात सही है, सबको जानकारी अच्छी लगी आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आल जो नोटिफिकेशन होता है आल पे जरूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की कोई भी वीडियो अपडेट करूं या अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए वीडियो। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।